Hello and welcome to Kashmir Dispatch. Srinagar Cantonment Board उस इलाके में जिसमें सोनवार इंदिरा नगर वगैरह का इलाका आता है, वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लीवे करना शुरू कर दिया है कि 5 अगस्त 2019 को जब हमारे राइट्स गैर आइनी तौर से हमसे छीने गए, हमारे तशख्स पे हमला किया गया, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी और उस दिन से आज तक लगातार यके बाद दीगरे सरकार की तरफ से ऐसे इकदाम किए गए हैं जिनका एम ये लगता है और हम बार बार कहते आए हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम को इक्तिसादी तौर और सियासी तौर कमज़ोर करना है। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, ये भी उसी की एक कड़ी है। हमारा मानना ये है कि कानून चाहे कोई भी हो, असलन तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये कानून लोगों की बहबूद और भलाई के लिए होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि आज का वक्त जहाँ पे पिछले एक साल से आपको पता है कि पूरे मुल्क भर में अमूमन और जम्मू कश्मीर में खुसूसन लोगों की कमर टूट गई है। एक तो ये शख्स पहले से ही परेशान है, इसके पास पैसे नहीं हैं, 2 साल से काम नहीं हो रहा है, उस पर तो रहा है कि अब हम इससे इसी की प्रॉपर्टी का टैक्स भी आज ही वसूल, तो साफ लगता है कि ये उसी एजेंडे का एक हिस्सा है जिसकी गर्ज़ोगायत ये है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को सियासी तौर तो था ही, इक्तिसादी तौर भी कमज़ोर कर दे। कि पिछले हफ्ते भर में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक डोमेन में आए, वायरल हुए, काफ़ी खदशे जाहिर किए गए, आवाम में एक बेचैनी पैदा हो गई। हालांकि कहा यह गया कि र्यूमर है वगैरह है, मान लीजिए कि र्यूमर है तो ये र्यूमर है और आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये रीइन्फोर्स कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि ऐसे र्यूमर्स आते हैं, ऐसी खबरें फैलती हैं और लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तो है उनके लिए इन एनी केस, लेकिन उसके बावजूद एक फ़र्ज आयद होता है हुकूमत वक्त पे और उनके नुमाइंदों पे कि ऐसी सूरत हाल जब भी उभरे वो बाहर आएं ऑन रिकॉर्ड और लोगों को अशोर करें, ताकि ये जो परेशानी का मामला है ये ख़त्म हो।